जय माता की। दोस्तों, वैष्णो देवी ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल है। हमारे भारत देश के लोगों की इस जगह से असीम आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं। ये भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। वैष्णो देवी का ये मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में तीन पिंडी है, जिसमें पहली पिंडी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान और समय में समृद्ध मानी जाती है। दूसरी पिंडी धन की देवी महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ काली की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त दिल से इन पिंडियों के दर्शन करता है, उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आप में से कई लोगों को शायद ही पता होंगे। आखिर वैष्णो माता किसकी पुत्री है? इस संदर्भ में कथा है। कहा जाता है कि त्रेता युग में कई सारी असुरी शक्तियों का आतंक था, जिनके आतंक से त्रिदेव भी परेशान थे। यह देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने निश्चय किया कि वह त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगी। और फिर तीनों देवियों ने अपने अपार तेज से एक बालिका को उत्पन्न किया। उन्होंने उस बालिका से कहा कि जाओ और दक्षिण भारत में रहने वाले विष्णु भक्त रत्नाकर के यहाँ जन्म लो। संतानहीन रत्नाकर जब सो रहे थे तो उन्हें एक सपना आया कि उनके यहाँ एक पुत्री जन्म लेगी और जिनके भक्तों की संख्या कई गुना होगी। कुछ समय बाद ही रत्नाकर के घर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा। बचपन से ही त्रिकुटा को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। 9 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। एक दिन समुद्र किनारे ही सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम पर जब त्रिकुटा की नज़र पड़ी, तो वह तत्काल ही पहचान गई कि ये कोई और नहीं बल्कि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ही है। त्रिकुटा श्री राम के पास गई और उन्हें पुष्प चढ़ाए और उनसे आग्रह किया कि उन्हें अपने में समाहित कर लें। लेकिन श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मगर यह समय उचित नहीं है, इसीलिए अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। वनवास के पश्चात मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। यह कहकर वह सीता की खोज में निकल गए। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वैष्णवी का भगवान श्री राम के प्रति इंतजार समाप्त नहीं हुआ। तभी एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी के समक्ष आया और उन्हें कहा कि तुम अति सुंदर हो और इस एकांत स्थान पर रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम मुझसे विवाह कर लो। यह सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध से कहा कि मैं पहले ही अपने प्रभु की हो चुकी हूँ, वह मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। तभी एकाएक उन्हें लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन जब तक वह कुछ जान पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम थे। वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी, परंतु श्री राम ने कहा कि आपका मुझे पहचान न पाना यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ण करने का अभी उचित समय नहीं आया है। अभी आपको पृथ्वी पर रहकर कुछ कार्य संपन्न करने हैं। त्रेता युग में नहीं बल्कि कलयुग में आप मुझमें समाहित हो सकेंगी, जब मैं कल्कि अवतार में पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा। इसके बाद श्री राम ने वैष्णवी को आदेश दिया कि वह उत्तर भारत में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करें, वहीं पर अपना धाम बनाकर लोगों का कल्याण करें। भक्तों को जिन तीन पिंडियों के दर्शन होते हैं, यहाँ वैष्णो माता की कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 वर्ष पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर ने करवाया था। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उखड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ पर रह गया था। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन के लिए उनके भवन तक कोई भी भक्त नहीं पहुँच सकता, क्योंकि माता के बुलावे को ही उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते चाहे कोई बुद्धिमान हो या फिर कोई अज्ञानी हो, पुरुष हो या महिला हो, या कोई छोटा हो या बड़ा हो, सब उनके बुलावे का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि माँ के दर्शन के लिए जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता है वह वास्तव में प्राकृतिक नहीं है,
बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस मार्ग का निर्माण 1977 में किया गया। इसी रास्ते से होकर माँ के भक्त उनके दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं कि वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के दर्शन सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गुफा को लेकर एक नियम है जिसके अनुसार 10,000 से कम भीड़ होने पर ही प्राचीन गुफा के द्वार खोले जाते हैं। माना जाता है कि इस गुफा का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस प्राचीन गुफा में भैरव का शरीर आज भी मौजूद है। वैष्णो देवी के मार्ग में कई पड़ाव आते हैं जिनमें से एक है अर्धकुमारी, जहाँ एक और गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के बारे में मान्यता है कि माता वैष्णो देवी यहाँ पर 9 महीने तक वैसे ही रही थी जैसे एक छोटा बच्चा 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहता है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 90 फीट है। माना जाता है कि जो कोई भी अपने पूरे जीवन में एक बार इस गुफा में जाता है तो उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर वह गर्भ में जाता भी है तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है और उसका जन्म भी बहुत ही सहज और सुख में बीतता है।